ओम शांति। आमे समस्ते आत्मा माने शांति धाम आमर घर शांति धाम रु ही आसीथिले। तापरे किछे आत्मा सुख धाम को आसीले एवं समस्त आत्मा दुख धाम रे वर्तमान अछन्ति। तो एही दुख धाम रु पुणि शांति धाम निश्चित भाव समस्ते जीवे, किंतु जो माने ज्ञान जोग रे प्रवीण हेबे, जो माने परमात्मांकर श्रीमत अनुसारे चलिबे, से माने सुख धाम को आसीबे। सेथिपाई बाबा आम समस्तंकु कहुछंती जे हे मोर प्रिय संतान माने, तुम्हें मोर श्रीमत रे ही चालो, जो द्वारा कि आमे माने समस्ते से श्रीमत रे चालिले ही आमर पाप विनाश होइजिवो। आउ परमात्मा कहुछंती जे ए शरीर द्वारा ही आमको एबे राजयोग करिवार अछि। ए शरीर आमर जिन्न सिन्न हे गलाणी पतित शरीर हेले भी मध्य एही शरीर को आमे ख्याल करिबा उचित, मोह रखिबा उचित नहे। ए शरीर प्रति आमर मोह न रखि आमे ए शरीर रो आमे लाभ नेबा, बा ए शरीर को आमे ध्यान रे रखिबा जे ए शरीर ठीक रे रहिले आमे योग करि पारिबा। तो आसंतु आजि बाबा आम समस्तंकु निज रो मुखड़ा देख कहुछंती जे आमे निजे ही निज को जानी पारिबा जे आमे कौन करुचे, को भूल काम करुचे, कोटा ठीक काम करुचे, सेटा निजे आमे निज को जानी पारिबा। सेथिपाई निजे निज मुख को देख जे तुम्हें कौन करुछ। आज बाबा बहुत सुंदर बाणी चलेछंती, ध्यान रे सुनिबा आसंतु। 31 डिसेंबर 2020 रो साकार मुरली सुनिबा। बाबा कहुचंती, मीठे बच्चे, एहा तुमर ईश्वरीय मिशन अर्थात धर्म प्रचारक संगठन अटे। तुमे समस्तंकु ईश्वरंकर संतान कराई सेमानंकु ईश्वरंकर अविनाशी संपत्तिर अधिकारी करुछ। आजिर प्रश्न हेला, कर्मेन्द्रिय गुड़िकर चंचलता केबे समाप्त हेब? बाबांक उत्तर हेला, जेतेबेले तुमर स्थिति सिल्वर एस अर्थात रूप युग पर्यंत पहुँची जीव, बा त्रेता युगी सत्वगुणी स्थिति पर्यंत पहुँची जीव, तेबे जाई कर्मेन्द्रिय गुड़िकर चंचलता समाप्त हेब। एबे तुम मानंकर रिटर्न जर्नी अर्थात घर बाहुड़ा समय, सेथिपाई कर्मेन्द्रिय गुड़िकु निजर आयत्तरे रखिबाकु हेब। गुप्त रूपरे एपरि कौनसी कर्म करिबा उचित नुहे जहाद्वारा आत्मा पतित होइजिब। तेणु अविनाशी सर्जन तुमको जेउंभळी संयम आचरण करिबा पाई करहुचंती सेही अनुसारे चालुथाओ। आजिर गीत हेला, मुखड़ा देखले प्राणी जरा दिल की दर्पण में, कितना पाप है कितना पुण्य है तेरी जीवन में। ओम शांति। आत्मिक संतान मानंक प्रति आत्मिक पिता बुझौछंती केवल तुम मानंक नुहे, जेउ सबु आत्मिक संतान माने प्रजापिता ब्रह्मांकर मुख वंशावली अटंती सेमाने एकथा जानिछंती। आम ब्राह्मण मानंक ही बाबा बुझौछंती, प्रथमे तुमे शूद्र थिल पुणी आसी ब्राह्मण होइछ। बाबा वर्णर हिसाब मध्य बुझौछंती, दुनिया रे वर्ण को मध्य केही बुझी नाहंती, केवल गायन रहिछि। एबे तुमे ब्राह्मण वर्णर होइछ, पुणी देवता वर्णर हेब, विचार कर जे ए कथा ठीक ना नुहे। निजे विचार कर, आम कथा शुण एवं तुलना कर। शास्त्र तो जन्म जन्मांतर शुणीछ एवं जहाँ ज्ञानर सागर बाबा बुझौछंती ताकु तुलना कर। ठीक केउठी ब्राह्मण धर्म अथवा कुल को समस्ते बिल्कुल भूली जाइछंती, तुम पाखरे थिबा विराट रूपर चित्र ठीक भावे तयारी करा जाउछि, एहा उपरे ही बुझा जाउछि। बाकी एते भुजाधारी चित्र जहाँ सब तयारी करिछंती एवं देवी मानंकु हतियार आदि देउछंती, से सबु भूल। ए सबु भक्ति मार्गर चित्र अटे, एही आखि द्वारा सबु देखुछंती किंतु किछि बुझु नाहंती।
କାହାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବିଷୟରେ କିଛି ମଧ୍ୟ ଜଣାନାହିଁ। ଏବେ ତୁମେ ଆତ୍ମା ବିଷୟରେ ଜାଣୁଛ ଏବଂ 84 ଜନ୍ମ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଜାଣୁଛ। ଯେପରି ବାବା ତୁମକୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ତୁମକୁ ପୁଣି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାକୁ ହେବ। ଶିବ ବାବା ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବେ ନାହିଁ, ନିଶ୍ଚୟ ବାବାଙ୍କୁ ସହଯୋଗୀ ଆବଶ୍ୟକ ନା? ସେଥିପାଇଁ ତୁମର ଏହା ଈଶ୍ୱରୀୟ ମିଶନ ଅଟେ। ତୁମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କରାଉଛ, ବୁଝାଉଛ ଯେ ସେ ଆମ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ଅବିନାଶୀ ପିତା ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କଠାରୁ ଅବିନାଶୀ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିବ। ଯେପରି ଲୌକିକ ପିତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଏହି ପାରଲୌକିକ ପିତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଲୌକିକ ପିତା ତ ଅଳ୍ପକାଳ ନିମନ୍ତେ ସୁଖ ଦେଇଥାନ୍ତି, ଅବିନାଶୀ ପିତା ଅବିନାଶୀ ସୁଖ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହି ଜ୍ଞାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ମିଳୁଛି। ଏବେ ତୁମେ ତିନି ଜଣ ଯାକ ପିତାଙ୍କୁ ଜାଣିଛ, ଲୌକିକ, ପାରଲୌକିକ ଏବଂ ଅଲୌକିକ। ପାରଲୌକିକ ପିତା ଶିବ ବାବା, ଅଲୌକିକ ବାବା ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତୁମକୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଏହି ବାବାଙ୍କୁ କେହି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଜୀବନ କାହାଣୀ ବିଷୟରେ କାହାକୁ ବି ଜଣାନାହିଁ, ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା ଉଚିତ ନା? ଶିବ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ମହିମା ଗାନ କରୁଛନ୍ତି, ବାକି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ମହିମା କାହିଁ? ନିରାକାର ବାବାଙ୍କୁ ମୁଖ ତ ଦରକାର ନା? ଯାହାଦ୍ୱାରା ଜ୍ଞାନ ଅମୃତ ଦେବେ, ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ବାବାଙ୍କୁ କେବେ ବି ଠିକ୍ ରୂପେ ସ୍ମରଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏବେ ତୁମେ ଜାଣୁଛ ଏବଂ ବୁଝାଉଛ ଯେ ଏହା ହେଉଛି ଶିବ ବାବାଙ୍କର ରଥ। ରଥକୁ ମଧ୍ୟ ଶୃଙ୍ଗାର କରିଥାନ୍ତି ନା, ଯେପରି ମହମ୍ମଦଙ୍କ ଘୋଡ଼ାକୁ ମଧ୍ୟ ସଜାଇଥାନ୍ତି। ତୁମେ କେତେ ଭଲ ଭାବରେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛ, ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କର ମହିମା କରୁଛ, କହୁଛ ତୁମେ ଏହିପରି ଦେବତା ଥିଲ, ପୁଣି 84 ଜନ୍ମ ଭୋଗ କରି ତୁମ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଛ, ଏବେ ପୁଣି ସତ୍ୱପ୍ରଧାନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ଯୋଗ ଆବଶ୍ୟକ, କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ମୁସ୍କିଲରେ କେହି ଏ କଥା ବୁଝୁଛନ୍ତି। ବୁଝିଗଲେ ତ ଖୁସିର ନଶା ଚଢ଼ିଯିବ, ବୁଝାଉଥିବା ଆତ୍ମାଙ୍କର ଆହୁରି ନିଶା ଚଢ଼ିଯିବ। ଅବିନାଶୀ ବାବାଙ୍କର ପରିଚୟ ଦେବା କିଛି କମ୍ କଥା ନୁହେଁ, ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ଏହା କିପରି ହୋଇପାରିବ? ଆପଣ ଅବିନାଶୀ ବାବାଙ୍କର ଜୀବନ କାହାଣୀ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ପବିତ୍ର ହୁଅ, ତୁମେ ଡାକୁଥିଲ ନା, ହେ ପତିତ ବାବନ ଆସ। ଗୀତାରେ ମଧ୍ୟ ମନମନାଭବ ଅକ୍ଷର ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ କେହି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ବାବା ଆତ୍ମାର ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ କେତେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, କୌଣସି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏକଥା ନାହିଁ। ଯଦିଓ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆତ୍ମା ବିନ୍ଦୁ ଅଟେ, ଭ୍ରୁକୁଟି ମଧ୍ୟରେ ତାରକା ସଦୃଶ୍ୟ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ ରୂପେ ଆତ୍ମାର ଜ୍ଞାନ କାହାରି ବୁଦ୍ଧିରେ ନାହିଁ। ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ସବୁ ଯଥାର୍ଥ ଅଟେ, କଳି ଯୁଗରେ ସବୁ ଅଯଥାର୍ଥ ଅଟେ। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ମନୁଷ୍ୟ ବୁଝୁଛନ୍ତି, ଭକ୍ତି, ପୂଜା, ପାଠ ଏସବୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବାର ରାସ୍ତା। ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ପ୍ରଥମେ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରାଉଛ, ଏଠାକୁ କାହିଁକି ଆସିଛ? ଏହାଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ଅବିନାଶୀ ବାବାଙ୍କ ପରିଚୟ ଦେବାକୁ ହେବ। ତୁମେ ପଚାରୁଛ ଆତ୍ମାର ପିତା କିଏ? ସର୍ବବ୍ୟାପୀ କହିବା ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ଅର୍ଥ ବାହାରୁନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କର ପିତା କିଏ, ଏହା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ କଥା। ନିଜ ନିଜର ଘରେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଏକଥା ବୁଝାଇ ପାରିବ। ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି ମୁଖ୍ୟ ଚିତ୍ର, ଯେପରି ଶିଢ଼ି, ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି, କଳ୍ପବୃକ୍ଷ ଇତ୍ୟାଦି, ଏହା ବହୁତ ଜରୁରୀ ଚିତ୍ର ଅଟେ। କଳ୍ପବୃକ୍ଷର ଚିତ୍ରକୁ ସବୁ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ବୁଝିପାରିବେ ଯେ ଆମର ଧର୍ମ କେବେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଆମେ ଏହି ହିସାବରେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇପାରିବୁ କି ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ପଛରେ ଆସିବେ ସେମାନେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ, ବାକି ଶାନ୍ତିଧାମକୁ ଯାଇପାରିବେ। କଳ୍ପବୃକ୍ଷ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଯାଇପାରିବ। ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଧର୍ମ ପଛରେ ଆସିଛି, ସେହି ଧର୍ମର ଆତ୍ମାମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଉପରକୁ ଯାଇ ବିରାଜମାନ ହେବେ। ତୁମ ବୁଦ୍ଧିରେ ସମସ୍ତ ମୂଳଦୁଆ ଜ୍ଞାନ ରହିଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମର ଚାରା ତ ଲାଗିଲା, ପୁଣି ବୃକ୍ଷର ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ତିଆରି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବିନା ପତ୍ରରେ କୌଣସି ବୃକ୍ଷ ତ ନଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ବାବା
पुरुषार्थ करउछंती निज समान करिबा पाई अन्य धर्मावलंबी मानंकु प्रजारूपी पत्र तयारी करिबाकु पडु नाही। से तो उपरु आसी तांक धर्मर मूलद्वा स्थापन करुछंती, पुणी परे आत्मा माने धीरे धीरे आसुछंती। तुम्हें पुणी ब्राह्मण वृक्षर वृद्धि पाई एही प्रदर्शनी आदि करुछ, एहा द्वारा पत्र तयारी हेउछि। पुणी मायार तूफान आसिबा द्वारा झाउली पडुछंती। एबे आदि सनातन देवी देवता धर्मर स्थापना हेउछि, सेथिरे लड़ई आदिर कौनसी कथा नाही। केवल बाबांकु मने पकाइबा पई हेब एवं अन्य को स्मृति देबाकु हेब। तुमे समस्तंकु कहुछ आउ जेउ सबु रचना अर्थात देहधारी अछंती तांकु छाड़। रचना ठारु केबे संपत्ति मिलि पारिबो नाही। रचयिता बाबांकु ही मने पकाइबाकु हेब, आउ कहार भी स्मृति न आसु। बाबांकर होई ज्ञान मार्ग को आसी पुणि जदि एपरि कौनसी काम करिबो तेबे तार बोझ मुंड उपरे बहुत रहिबो। बाबा पवित्र करिबाकु आसुछंती, आउ जदि एपरि कौनसी खराब काम कल तेबे आहुरी पतित होइजिबो। सेथिपई बाबा कहुछंती एपरि कौनसी काम कर नहीं जहा द्वारा क्षति हेबो। एहा द्वारा बाबांकर ग्लानी होइथाए ना, एपरि कर्म कर नहीं जहा द्वारा अधिक विकर्म हेबो। बारण मध्य करिबाकु पड़िबो। औषध खाइबारे मध्य बारण रखि थांती ना। डाक्तर खटा खाइबाकु मना कले मानिबा उचित। कर्मेन्द्रियाकु आयत्तरे रखिबाकु पड़िबो। जदि लुचाई खाइबो तेबे औषधर प्रभाव पड़िबो नाही। एहाकु आसक्ति बोली कुहा जाए। बाबा मध्य शिक्षा देउछंती एपरि कर नाही। बाबा सर्जन अटंती ना, लेखुछंती बाबा मनरे बहुत संकल्प आसुची, सेथिपई खबरदार रहिबाकु हेब। खराब स्वप्न खराब संकल्प आदि बहुत आसीब, ए सबुकु डरिबार नाही। सत्ययुग त्रेतयारे एभली संकल्प बा स्वप्न आसीब नाही। तुमे जेते निकटतर हेउथिबो त्रेता युग पर्यंत पहुँची जीव तेबे कर्मेन्द्रियर चंचलता बंद होइजिबो। कर्मेन्द्रिय गुड़िक तुमर अधीन होइजिबे। सत्ययुग त्रेतयारे कर्मेन्द्रिय अधीन रे थिला ना। जेतेबेले एही त्रेतयार अवस्था पर्यंत आसिबो सेतेबेले जाई कर्मेन्द्रिय अधीन हेबे। पुणी सत्ययुगी अवस्था पर्यंत आसिले सत्व प्रधान होइजिबे। पुणी समस्त कर्मेन्द्रिय संपूर्ण वशीभूत होइजिबे। कर्मेन्द्रिय माने तुमर अधीन रे थिले ना, किछि नुआ कथा नुहे। आजि कर्मेन्द्रियर अधीन अछ, काली पुणी पुरुषार्थ करि कर्मेन्द्रिय को आयत्त करिनेबो। 84 जन्मरे तुमे तळकु खसि आसिछ, एबे घरकु फेरिबाकु हेबो। समस्तंकु सत्व प्रधान अवस्थाकु जिबाकु पड़िबो। निजर चार्ट देखिबा उचित, मु केते पाप केते पुण्य करिछि। बाबांकु याद करी करी जेतेबेले आयरन एज रु सिल्वर एज पर्यंत पहुँचि जीव तेबे कर्मेन्द्रिय वशीभूत होइजिबो। पुणि तुमकु अनुभव हेब एबे कौनसी तूफान आसुनाही। एही अवस्था मध्य आसिब पुणि तुमे सत्ययुगकु चालिजिब। मेहनत करी पवित्र हेबा द्वारा खुशीर मात्रा बढ़िब। जे भी आसुछंती तांकु बुझेबाकु पड़िब किपरि तुमे 84 जन्म नेइछ। जिए 84 जन्म नेइछंती से ही बुझिबे, कहिबे एहा बाबांकु मने पकाई मालिक हेबाकु पड़िब। जदि भावुच एइ 84 जन्म नेइ नाहंती तेबे बोध हुए राजत्वर मालिक होइनथिबे। आमे तो साहस देउछु, भल कथा सुनाउछु, तुमे निम्नगामी जिए 84 जन्म नेइथिबे शुणु शुणु तांकर तुरंत स्मृति आसीजीव। बाबा कहुछंती तुमे शांति धामरे पवित्र तो थिलो ना, एबे पुणी तुमको शांति धाम सुखधाम को जीवार रास्ता बताउछि, आउ केही भी रास्ता बतई पारिबे नाही। शांति धाम को मध्य पवित्र आत्मा माने ही जाई पारिबे। जेते खाद बाहरी जीव सेते उच्च पद मध्य मिलिबो। तेणु जे जेते पुरुषार्थ करि पारिबो प्रत्येकंकर पुरुषार्थ को तो तुमे देखुछ।
बाबा मध्य बहुत भल साहय करे तो जेपरिक पुणा सतान प्रत्येकंर नाड़ी को अर्थात अवस्था को बुझुना जो मैंने बुद्धिमान होते से माने तुरंत बुझिजे बेहदर बाबा निश्चय स्वर्गर संपत्ति मिलवा उचित संपत्ति मिलता एवं ना पुनर्बार मिलू लक्ष्य उद्देश्य सम्मुखें रही बाबा जो स्वर्गर स्थापना करते से समय रे तुमे स्वर्गर मालिक थिलो पुनी 84 जन्म नहीं तलकु ओल्लै आसीछ वर्तमान यह तुमर अंतिम जन्म अटे इतिहास पुनरावृत्ति तो निश्चय हेब ना तुमे सारा 84 जन्म चक्रर हिसाब बताऊछ जेतिकि आत्मा बुझिबे सेतिकि प्रजा हेबे तुमे मध्य बहुत आत्मा को निज समान करूछ ना तुमे कहुछ आमे आसीछु सारा विश्व को मायार जंजीररु मुक्त करिबा पाई बाबा कहुछंती मु समस्तंकु रावण पाखरु मुकुळैबाकु आसीछि तुमे मध्य जानिछ जे बाबा ज्ञानर सागर अटंती तुमे मध्य ज्ञान प्राप्त करी मास्टर ज्ञानर सागर हेउछ ना ज्ञान एवं भक्ति अलगा अलगा अटे तुमे जानिछ भारतर प्राचीन राजयोग बाबा ही शिखौछंती कोनोसी मनुष्य एही राजयोग शिखाई पारिबे नाही किंतु एक समस्तंकु किपरि बताइबा एठारे तो असुर मानंकर विघ्न मध्य बहुत पड़ुछि आगरु तो भावुथिल बोध हुए केही स्थूल आवर्जना पकाउछंती एबे बुझुछ एमाने किपरि विघ्न पकाउछंती किछि नुआ कथा नुहे कल्प पूर्वरु मध्य एहिपरि होइथिला तुम बुद्धि रे सारा चक्र घूरी चालिछि बाबा आमकु सृष्टिर आदि मध्य अंतर रहस्य बुझाउछंती बाबा आमकु लाइट हाउस रो उपाधि मध्य देउछंती गोटिए आखिरे मुक्तिधाम अन्य आखिरे जीवन मुक्तिधाम तुमको शांतिधाम को जाई पुणी सुखधाम को आसिबाकु हेबो एहा ही हेउछि दुखधाम बाबा कहुछंती एही आखि द्वारा जहाँ किछि तुमे देखुछ ताकु भूल निजर शांतिधाम को मने पकाओ आत्मा को निजर पितांकु मने पकाइबाकु हेबो एहाकु ही अव्यभिचारी जोग कुहा जाउछि ज्ञान मध्य जणंक ठारे ही शुणिबाकु हेबो एहा हेउछि अव्यभिचारी ज्ञान याद मध्य जणंकु ही कर मोर तो जणे द्वितीय आउ केही नाहंती जे पर्यंत निजकु आत्मा निश्चय न करिबो से पर्यंत जणंकर स्मृति रहिबो नाही आत्मा कहुछि मु तो एकमात्र बाबांकर ही हेबी मते बाबांक पाखकु जिबाकु हेबो एही शरीर त पुरुणा जिन्न सिन्न हो जाउछि एथिरे मध्य महमत्व रखिबार नाही एहा ज्ञानर कथा अटे एपरि नुहे जे शरीरर जत्न नेबो नाही मनरे भाबिबा उचित एहा पुरुणा चमड़ा अटे एहाकु त एबे छाडिबाकु हेबो तुमर हेला बेहदर सन्यास सन्यासी माने तो जंगल को चली जाइछंती तुमको घरे रही बाबा को मने पकाइबाकु हेबो बाबांक स्मृति रे रही तुमे मध्य शरीर छाडि पारिबो जेउठी थिले मध्य तुमे बाबांकु मने पकाओ बाबांक स्मृति रे रही स्वदर्शन चक्रधारी हेले जेउठी थिले मध्य तुमे उच्च पद पाइ पारिबो जेते व्यक्तिगत भावे पुरुषार्थ करिबो सेते उच्च पद पाइ पारिबो घरे रही मध्य यादर यात्रा रे रहिबाकु हेबो एबे अंतिम फलाफल अल्प समय बाकी अछि पुणी तुम पाई नुआ दुनिया मध्य प्रस्तुत हेबा दरकार ना एबे कर्मातीत अवस्था होइगले सूक्ष्म बतन रे रहिबाकु पड़िबो सूक्ष्म बतन रे रही मध्य पुणी जन्म नेबाकु पड़ुछि आगकु गले तुमकु सबु साक्षात्कार हेबो अच्छा मीठा मीठा सिकिल देह संतान मानक प्रति माता पिता बाप दादांकर मधुर स्नेह भरा स्मृति एवं सुप्रभात आत्मिक पितांकर आत्मिक संतान मानंकु नमस्ते आत्मिक संतान मानंकर मध्य आत्मिक पितांकु
सुमधुर स्नेहभरा श्रुति एवं सुप्रभात एवं नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा पाई मुख्य सार एक नंबर पॉइंट एकमात्र बाबांक ठारो ही सुनिबाकु हेब जणंकर ही अव्यभिचारी स्मृति रे रहिबाकु हेब एही शरीर प्रति ममत्व न रखी एहार जत्न नेबाकु हेब। दूसरा नंबर पॉइंट हला बाबा बतैथिबा बारण गुड़ी पूरा पूरा मानि चालिबाकु हेब एभळी कोनोसी कर्म करिवार नाही जहा द्वारा बाबांकर ग्लानि हेब एवं पापर खाता बढ़िबो निजे निजर क्षति करिवार नाही। आज वरदान रे बाबा कहउचंती निजर विशाल बुद्धि रूपी सिंधुक द्वारा ज्ञान रत्नर दान करुथिबा महादानी हुओ। वरदान रो विस्तार हैला बुद्धि को सर्वकर्मेन्द्रिय मानंक मध्यरे शिरोमणि बोली गायन करा जाए जेउ माने विशाल बुद्धि अटंती अर्थात जेउ मानंकर बुद्धि शक्तिशाली अटे से मानंकर मस्तक सर्वदा चमकु थाए कारण बुद्धि रूपक सिंधुक भितरे सारा ज्ञान भरपूर होई रहिछि। समाने निजर बुद्धि रूपक सिंधुकरु ज्ञान रत्न दान करी महादानी होई जानती तेणु तुम्हें माने निजर बुद्धि को सर्वदा ज्ञान रत्नर भोजन देई चालो। बुद्धि जदि ज्ञान बलरे भरपूर रही थिव तेबे प्रकृति को मध्य जोगबल द्वारा ठीक करिदेव तेबे सर्वोत्तम बुद्धि संपन्न आत्मा माने संपूर्ण ज्ञान आधार रे सर्वोत्तम रोजगार जमा करी वैकुंठर राज्य पद प्राप्त करिथांती। आजर स्लोगान हला जदि शक्ति स्वरूप स्थिति रो अनुभव करने को चाहूच तेबे संकल्प गति को धैर्यशील कर। अच्छा ओम शांति।